हम नेक्स्ट पेज में हैं, पेज नंबर 68 पे। पेज नंबर 68 में हमें उसी का सेकंड एग्जांपल दिया है, यू हैव टू स्टडी सिंसियरली टू हैव वांट टू डू वेल। अभी तुम्हें बहुत सिंसियरली से पढ़ना होगा अगर आपको अच्छा करना है तो। फिर है हैव टू। हैव टू इज़ यूज टू सजेस्ट सम काइंड ऑफ कंपल्शन और देयर सम रूल विच हैज़ टू बी फॉलोड। ये कंपल्शन होता है, सजेशन होती है जो कि कंपेल की जाती है, यानी किसी चीज़ को करने का प्रेशर डाला जाता है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार, यानी जैसा समय होगा उसके अनुसार। यू मस्ट स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन। आपको अपने बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करना चाहिए। वी हैव टू साइन द रजिस्टर व्हेन वी एंटर दिस बिल्डिंग। हम जब इस बिल्डिंग में एंटर करें तो हमें रजिस्टर साइन करना होगा। आई कांट जॉग फॉर टू लॉन्ग। आई हैव टू टेक ए ब्रेक। मैं बहुत दूर तक जॉग नहीं कर सकता हूँ, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। फिर तीसरा है मस्ट। मस्ट डज नॉट हैव अ पास्ट टेंस फॉर्म। मस्ट का कोई पास्ट टेंस फॉर्म्स नहीं होता है, सो वी कैन यूज़ मस्ट टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर। इसीलिए हम इसका मस्ट का यूज़ करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वी मस्ट अटेंड द मीटिंग नाउ, प्रेजेंट हो गया। वी मस्ट अटेंड द मीटिंग टुमारो, एक हो गया प्रेजेंट और एक हो गया फ्यूचर। बट वी कैन यूज़ हैव टू इन ऑल टेंसेस। लेकिन हम हैव टू को हर तरह के टेंसेस में, हर तीनों टेंस में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड टू बाई मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट शॉप। आई हैव टू बाई मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट शॉप। I will have to buy medicine from the chemist shop। यहाँ पे एक में had to, एक में have to और एक में will have to। तो एक sentence first present था, second पहला past था, second present था और तीसरा future था। अब fourth point क्या है, in questions and negative sentences have to, we normally use do, does, did। यहाँ पर have to हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो sentence है question हो या तो negative sentences हो, जैसे कि उनमें normally हम किस तरह से यूज़ करते हैं, do, does और did के form में। तो example देखिए, do you have to work till late every day? Did the students have to carry their आइडेंटिटी कार्ड्स। यहाँ पे देखिए डू दे दिया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है। सेकंड में भी डिड दिया है, वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन डिड द स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट्स क्या आइडेंटिटी कार्ड्स कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से सजेशन है, पहला वाला क्वेश्चन है। वी ऑफन यूज़ हैव टू, बट वी कैन डू ऑल्सो यूज़ हैव गॉट टू इंस्टेड ऑफ हैव टू। अब हम हैव टू कब यूज़ करते हैं, बट ऑफन यानी कभी कभार ही करते हैं, लेकिन हैव गॉट टू हम हमेशा कर सकते हैं हैव टू की जगह पर। जैसे वी हैव गॉट टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट वीक। आई हैव गो टू टेक माई मेडिसिन बिफोर आई लीव द ऑफिस। तो यहाँ पर वी हैव गॉट टू दिया और दूसरे वाले में हैव गॉट टू दिया है, तो इस तरह से सेंटेंस होता है। अब उसके नीचे देखिए तीन हिंट्स दी हुई हैं, वो तीन हिंट्स क्या है, हैव गॉट टू यानी हैड गॉन टू, हैड गॉट टू दोनों का मतलब एक ही हो गया। कैन बी यूज्ड इन प्लेस टू हैव, हैव टू, हैड टू। ये हैव टू की जगह पे हम हैड टू को भी यूज़ कर सकते हैं। मस्ट, मस्ट इज़ यूज्ड व्हेन द स्पीकर इंसिस्ट समथिंग हैज़ टू बी डन। मस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब स्पीकर हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है या कंपेल करता है। हैव टू, हैड टू। हैव टू या हैड टू इज़ यूज टू सजेस्ट इंटरनल कंपल्शन, यानी अंदरूनी प्रेशर जब डाला जाए, यानी अंदरूनी से ताकत होती है जो आपको प्रेशराइज करती है कि आपको ये करना ही करना है। तब सम काइंड ऑफ ए रूल द डिमांड ऑफ ए सिचुएशन, यानी समय के अनुसार या फिर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आपको ये कायदे के अनुसार करना ही पड़ेगा। तब उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको PDF थ्रू मिल जाएगी। देन उसके बाद क्या दिया, सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, शुड और टू। अब सजेशन का मतलब राय, एडवाइस का मतलब सलाह, ड्यूटी का मतलब हमारा काम होता है जो हमें करना है, शुड या और टू। शुड में आती है चॉइस और टू यानी कंप्लीट कार्य करना। अब यहाँ पे दो लोग के कन्वर्सेशन है। रवि, योर आईसेट हैज़ बिकम वीक, यू शुड ईट कैरेट्स। रवि, तुम्हारी आईसेट वीक हो गई, तुम्हें कैरेट्स खाने चाहिए। यू शुड ऑल्सो गो फॉर एन आई चेकअप, तुम्हें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए अपने आई चेकअप करवाने के लिए।
फिर आई विल डू दैट, हाँ मैं ज़रूर करूँगा ऐसा। तो ये हो गया अब आपका पेज ओवर। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं।